देखो कितना अच्छा सजा रखा है ना, क्योंकि मैं रेड स्क्वायर के पास जा रहा हूँ। चल जाते पता है कहाँ पे, अपने गांव में अपने मम्मी पापा के पास में। यहाँ पे जो आता है वो है जय श्री राम। दोस्तों मैं हूँ शुभम और मैं अभी मॉस्को के अंदर न्यू ईयर बनाने आया हूँ। वैसे मैं भी रेड स्क्वायर के पास में हूँ। आप सजावट देखो कितनी अच्छी सजावट हो रही है, न्यू ईयर के दिन ऐसा सज जाता है ना यहाँ पे। अभी हम जाएंगे रेड स्क्वायर के पास में, वहाँ पर देखना आप क्या मजा आएगा। मेरे साथ मेरे दोस्त भी है, बट अभी एक दोस्त की बहुत ज़्यादा हालत खराब है क्योंकि उसको टॉयलेट आ रही है और सब चीज़ें बंद हो गई है। वो पूछ रहा है टॉयलेट कहाँ जाए। ये देखो मुँह ढक लिया उसने। तो हम अभी जाने वाले रेड स्क्वायर पे। मेरे को 6 साल हो गए रशिया में, आज पहली बार रेड स्क्वायर पे जाके न्यू ईयर बनाने वाला हूँ। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो वो इंडिया का फ्लैग है, पाकिस्तान का भी है बट इंडिया का फ्लैग देखो बड़ा। ये देखो कितना शानदार है ना। ठंडी बहुत है आज, कल 2-3 दिन से ठंडी बहुत कम थी बट आज ठंडी बढ़ गई है। और यहाँ पे सिक्योरिटी देखो पूरी है, एम्बुलेंस खड़ी है, सब कुछ खड़ा है। ये आप देखो इतना शानदार है ना। ये गुम है, गुम वाला जो मॉल है ना वो है ये वाला। देखो कितना मस्त है ना, पूरा एकदम गिफ्ट के से पैक करके रखा है इसको। अभी मैं रेड स्क्वायर पे जाने वाला हूँ, वहाँ से दिखाऊंगा आपको। अच्छा सज जाता है ना देखो, तो न्यू ईयर आता है यहाँ पे और पुलिस वगैरह भी खड़ी हुई है यहाँ पे। स्नोफॉल हो रही है पर इतनी तेज स्नोफॉल नहीं हो रही अभी, अभी तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं है। मैं जाऊँगा मेन जहाँ पे सजा हुआ होगा वो रेड स्क्वायर। मोस्टली क्या है मॉस्को में रशियन लोग तो आते ही नहीं है, रशियन लोग चल जाते पता है कहाँ पे, अपने गांव में अपने मम्मी पापा के पास में। यहाँ पे जो आता है वो है जो और कंट्री के लोग हैं, या फिर जो यहाँ पे कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान के जो लोग रहते हैं ना वो लोग आते हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ का न्यू ईयर, इंडिया बनता है ऐसा? लोग कितनी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पे। यहाँ पे ना इस टाइम पे सब दारू पीते हैं, सारे के सारे में मोस्टली वोडका वगैरह पी के और इन्जॉय करते हैं। अभी कोई काम नहीं करेगा, अभी छुट्टी है एक तरह से इनकी, और इस टाइम पे दारू पी के एकदम घर पे मजे करेंगे। देखो सजा रखा है भी यहाँ पे, और स्नोफॉल भी हो रही है। अभी तो ठंड बढ़ेगी, रात को -11-12 तक पहुँचेगी और कल -20 तक रहेगी। परसों के दिन का देखा था ना, -24-26 तक चल जाएगा यहाँ पे। बहुत ठंडा है यहाँ पे सच में, और सजा रखा है मतलब पूरे मॉस्को को आज दुल्हन की जैसे सजा रखा है। वैसे मैं आपको बता दूँ रशिया में मॉस्को को मॉस्कवा बोलते हैं, और मॉस्कवा का मतलब फीमेल होता है, मतलब फीमेल केंद्र आता है। अच्छा सजा रखा है ना, क्योंकि मैं रेड स्क्वायर के पास जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। धीरे धीरे स्नोफॉल हो रही है ना, वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जा रही है। मैं
मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, जब स्नोफॉल गिरती है ना तो ये जो ऐसा बन जाता है, देखो अभी आपको दिखेगा नहीं, एक तो फूल जैसा बन जाता है, देखो आपको दिखा फूल दिखा, ऐसे ऐसे फूल जैसे बन जाता है, देखो देखा आपने, देखो बता दो फूल जैसा जो बन जाता है ना। मैंने मेरा ग्लव्स निकाल लिया, ठंड लग रही है दिखाने के लिए, और ये देखो बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा, मैं इसके अर्थ जा रहा हूँ अभी, देखो पानी अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, ऐसे पीछे से घूम के जाना होगा, रास्ता बंद है, फिर रास्ता बंद है, ये देखो ये वाला जो रास्ता है वो बंद है लेडीज के आने जाने के लिए, ये रास्ता बंद है, मेरे को पता नहीं है कि किधर से जाना जाऊंगा, अभी इधर से बंद है, मैं भी मेरे को इधर से जाना पड़ेगा, कि सिक्योरिटी टाइट है इस बार, क्योंकि युद्ध के कारण सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, पर सजा के रखा है पूरे को बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया सजा रखा है, पूरे को बहुत अच्छे से सजा रखा है, ये मॉस्को की मेन जगह है, रेड स्क्वायर जो है ना वो यही है, इतनी तेज ठंडी है ना कि मेरे ग्लव्स के अंदर से मेरे को ठंडी लग रही है, स्नोफॉल हो रही है वो अलग, ओह माय गॉड, अब तक इतनी ठंडी नहीं थी जितनी आज है, ये देखा शानदार नज़ारा है ना स्नोफॉल के साथ, लोग बाग बहुत आ रहे हैं, चेकिंग हो रही है, आसपास में एम्बुलेंस खड़ी है ताकि अगर कुछ हो जाए किसी को तो तुरंत उसका इलाज हो सके, आप देखो यहाँ बर्फ गिर रही है, टेम्परेचर -11 हो गया है, और यहाँ पे पता है जो पुलिस खड़ी है ना यहाँ पे लोगों को जो जैसे जो रशियन है उनको तो कुछ नहीं बोल रही, पर है ना जो नॉन रशियन है ना, जैसे तजाकिस्तान किर्गिस्तान मैंने देखा अभी 4-5 बार, मतलब उनको पकड़ के साइड में ले गई, उनके या तो उनके पास कुछ था ऐसा जैसे दारू वारू अलाउ नहीं है, जैसे ड्रग वगैरह कुछ अलाउ नहीं है ऐसा, या तो उनके पास कुछ ऐसा था या फिर कुछ चेकिंग के लिए इधर लेके गई है, पुलिस यहाँ पर घूम रही है और वो पकड़ रही है, मतलब चेक कर रही है उनको, मैंने देखा कि रशियनों को कुछ नहीं बोल रही है, उन्हें ही बोल रही है, इन जो मोस्टली इंटरनेशनल है जो दिख जाते हैं, मतलब उनके जो सबका के फेस फेशियल नेशनलिटी होती है ना उनको बोल रही है, और जो ज़्यादा पी रखा है उसको अलाउ भी नहीं कर रही यहाँ पे, क्योंकि ये जो जगह है ये पूरी रेड स्क्वायर की जगह है, देखो बर्फ गिर रही है और बहुत ही मतलब ठंडी है, बहुत खूबसूरत है, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब यहाँ पे जब रात के 12 बजे ना कब कैसा, तब कैसा लगेगा, तो काफ़ी सुंदर है ये नज़ारा, के बाद क्योंकि इस बार है ना इन्होंने ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, बहुत सारी जैसे पटाखे वगैरह चलाना मना कर रखा है, ये देखो ये घूम के पास का जो घूम जो मॉल है उसके पास की जगह है, तो ये आज भी वैसी सजी हुई है, जैसे ये इसका तो रोज का है ऐसे सजा हुआ, बट अभी इनमें एंट्री बंद हो गई है, पहले तक तो एंट्री हो रही थी, अभी इन्होंने बंद कर दी है इसके अंदर, देखो ये घूम है मॉल है घूम का, देखो ये अभी कितनी अच्छी सजावट है ना यहाँ पे, जल्दी मेरे पापा मम्मी की भी वीडियो आएगी जहाँ पे हम इस जगह घूमने आए थे, सर्दी बहुत तेज लग रही है अभी तो, 9 ही बजे हैं 9 भी नहीं बजे, मतलब अभी 12 बजने बहुत टाइम है, और रेड स्क्वायर के उधर वाला एरिया बंद कर रखा है, देखो ये
रेड स्क्वायर में घूमे अभी, उधर सब चीज़ें बंद है, अभी जाने नहीं दे रहे, उधर से रास्ता भी बंद है और इधर भी हम अभी, ये चीज़ सामने नदी है इसके, इधर हूँ मैं अभी कि क्रिसमस है, क्रिसमस ट्री सजा रखा है। देखो मैं आपको घंटा बजा भी, तो देखो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है अभी, बहुत ज़्यादा, मेरे ग्लव्स के अंदर भी है ना हाथ एकदम जम गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी ठंडी है। मेरे पीछे रेड स्क्वायर है वो बंद है अभी और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है यार, शायद हो सकता है मैं 12 बजे तक नहीं रुक पाऊँगा और मेरे घर चल जाऊँगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। दूसरा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, स्नोम गौतम नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और आपके घर में सब बढ़िया रहे, मतलब मेरे को बोला नहीं जा रहा, कारण यह है कि हाथ और जूतों के अंदर पैर जम गए हैं। आजकल ये होता है ना, मोबाइल भी यूज़ करना होता है, उसके कारण हल्का हल्का हाथ भी निकालना पड़ जाता है कि ग्लव्स पे काम नहीं करते, तो उसके कारण, पर क्या बोलूँ, बोला नहीं जा रहा। ये है रेड स्क्वायर में अभी हूँ, अंदर से उधर से बंद है, पता नहीं क्यों बंद है, आगे शायद हो सकता है मैं घर चल जाऊँ, 12 बजे तो नहीं रुक पाऊँ।